हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंप पॉइंट। एंड आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी न्यू सीरीज जिसका नाम है बैक टू बेसिक सीरीज, जिसमें हम केमिस्ट्री के बेसिक्स को करेंगे। और आज सबसे पहला पार्ट है न्यूक्लियोफाइल। इस वीडियो में हम न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानेंगे, कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, कौन वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या कंडीशन होगी जब कोई स्पीशीज एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगी, कुछ ट्रिक्स देखेंगे और कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल सभी को पता है हमें कि न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है। न्यूक्लियस लविंग होगा और उस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हम सभी को पता है। और डेफिनेशन भी, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एक केमिकल स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है केमिकल बॉन्ड में, जब क्या होती है, रिएक्शंस होती है, ये हमें पता है। तो आज हम समझने की चीज करते हैं। देखिए, न्यूक्लियोफाइल होता क्या है बेसिकली, जो क्या करेगा, डोनेशन करेगा। डोनेशन करेगा, किसकी डोनेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन की। कब करेगा, जब क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। देखिए, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि बॉन्ड जब बनता है, जब एक ऑर्बिटल तो डोनेट करेगा और दूसरा ऑर्बिटल एक्सेप्ट करेगा। तो जो डोनेट करता है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल होता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। आपने कभी भी सिंबल देखा हो तो आप कभी ऐसे भी देखते होंगे, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव और इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। देखिए, कोई भी स्पीशीज डोनेशन कब करेगी, जब उसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। आप खुद से लगाइए, आप किसी को कुछ डोनेट करेंगे तो कब करेंगे, जब आपके पास कोई चीज एक्सेस में हो। अगर आपके पास खुद ही नहीं है तो आप किसी को कैसे देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है न्यूक्लियोफाइल की, कि जो स्पीशीज है वो न्यूक्लियोफाइल कब एक्ट करेगी, जब उसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। तो किसी स्पीशीज के पास लोन पेयर हो तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगी। जैसे कि वाटर की बात करें तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो इस लोन पेयर से वो इजीली इलेक्ट्रॉन को दे सकती है और एज अ क्या कर सकती है, न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकती है। और कोई एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे एच सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। और कोई एग्जांपल लगे, जैसे हम आर ओ आर की बात करें, इथर की बात करें, तो ये भी क्या, एज अ न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास, NH3 की बात करें, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन पे क्या है, हमारे पास लोन पेयर है। H2S की हमने बात कर ली, और हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे RNH2 की अगर हम बात करें, तो ये भी एज अ क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। और अगर हम एरोमेटिक या कोई और स्पीशीज की बात करें, जैसे ये बात करें, तो ये क्या है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। अब ये तो हो गया, जिसके पास लोन पेयर होंगे वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। सेकेंड चीज, और क्या हो सकता है, अगर किसी स्पीशीज के पास नेगेटिव चार्ज हो, कहने का मतलब क्या है, एक्सेस हो इलेक्ट्रॉन की। नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब एक्सेस होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो भी वो क्या कर सकता है, इजिली डोनेट कर सकता है और एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। जैसे कि हम बात करें OH नेगेटिव इजिली दे सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें कोई और स्पीशीज की, जैसे RCOO नेगेटिव, एच हटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। और जैसे कि हेलोजन्स की अगर हम बात करें, एक्स नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी स्पीसीज है जो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकती है। जैसे ईथर की अगर हमने बात की थी, तो वो क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल था, लेकिन यहाँ से मैं आर हटा दूँ तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये भी फिर से क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज पे है वो भी क्या कर सकती है, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकती है। अब थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन ये है, कोई भी स्पीशीज जिसके पास क्या हो, पाई बॉन्ड हो, वो भी क्या कर सकती है, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकती है, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकती है। सबसे अच्छा एग्जांपल इथीन का, हम सभी को पता है इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। अब क्वेश्चन है, ये कैसे करेगा, यहां तो हमें दिख रहे थे ये एक्सेस है, दे देगा। अब देखिए, ये कैसे करेगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे पाई भी होता है जिस बॉन्ड, और पाई स्टार भी होता है। पाई से क्या होती है, पाई फील्डेड होता है, और पाई स्टार क्या होता है, एम्प्टी। ये क्या होगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, मतलब वो हाईएस्ट ऑर्बिटल, इसके नीचे सिग्मा होगा ना, वो हाईएस्ट ऑर्बिटल जिसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये क्या होगा, लूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल।
वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे कम हो और जो क्या हो अनऑक्यूपाइड। देखिए अब पाई के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये क्या कर सकता है, पाई स्टार में वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये किसमें दे सकता है, पाई स्टार में, और दे सकता है। जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को देती है वो क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। ठीक है, तो ये कैसे न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो जहां भी आपको डबल बॉन्ड दिखे वो भी एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। फोर्थ और कौन कर सकता है, सिग्मा बॉन्ड कर सकता है, सिग्मा बॉन्ड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो क्या ये सिग्मा बॉन्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है, कौन सा सिग्मा बॉन्ड, कार्बन, और कार्बन का बॉन्ड क्या न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, नहीं ये नहीं करेगा। सी सी बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, नॉन पोलर। कौन सा सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, जो क्या होगा, पोलर होगा, या हम कह सकते हैं वीक सिग्मा बॉन्ड जिसमें पोलैरिटी होगी वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। अब कैसे कर सकता है, तो देखिए जैसे कि कार्बन और लिथियम, यहाँ पे आपके पास एच 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 होंगे, कार्बन लिथियम का बॉन्ड जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। यहां से आपका लिथियम ब्रेक हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कार्बो एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बो एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये कार्बो एनायन एज अ न्यूक्लियोफाइल किसी पे भी रिएक्ट कर सकता है, किसी को भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो सिग्मा बॉन्ड, वीक सिग्मा बॉन्ड, या हम कह सकते हैं पोलर सिग्मा बॉन्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, कार्बो एनायन की फॉर्मेशन होगी, और देखिए एनायन बन गया तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा और इजिली क्या कर देगा, न्यूक्लियोफाइल डोनेट कर देगा। तो ठीक है, आपको समझ आई कि न्यूक्लियोफाइल कैसे कैसे हो सकते हैं। ये हो सकता है या चार नेगेटिव चार्ज होगा, या पाई बॉन्ड होगा, या फिर वीक सिग्मा बॉन्ड होगा, या यू कह सकते हैं कि पोलर सिग्मा बॉन्ड होगा। अब ये तो हमने समझ लिया, अब समझते हैं कि कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन कम न्यूक्लियोफाइल होगा। बस ये एक छोटी सी चीज है, आप इसको समझें कि कौन कम होगा और कौन ज्यादा होगा। यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, ये बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए इजिली डोनेट कौन करेगा, जिसका साइज क्या हो, लार्ज साइज हो। अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा, जिसका साइज क्या हो, लार्ज हो, और सेकंड जो क्या हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव हो, वो क्या होंगे, गुड न्यूक्लियोफाइल होंगे, गुड न्यूक्लियोफाइल होंगे। जैसे कि मैं आपको कहूँ ओ एच नेगेटिव एंड एस एच नेगेटिव, सपोज कीजिए मैंने आपको ये दिया और मैंने आपसे पूछा विच वन इज गुड न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए एच दोनों में है, ये नेगेटिव चार्ज भी दोनों में है, कौन डिसाइड करेगा कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन और सल्फर। अब ऑक्सीजन बड़ा कि सल्फर, सल्फर बड़ा, तो जो बड़ा, और दूसरा सेकंड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के सल्फर, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो कम न्यूक्लियोफाइल, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल। तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक मतलब इन दोनों में से सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन देगा और जल्दी से कौन देगा, एस एच देगा इन कंपेरिजन टू OH, ठीक है। तो लार्ज साइज हो और लेस क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, तो वो स्पीशीज क्या होगी, गुड न्यूक्लियोफाइल होगी। ये हमने पढ़ लिया कि मोमेंट इलेक्ट्रॉन की उनकी डेंसिटी पर डिपेंड करेगी, जिसकी ज्यादा डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो इजिली देगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ से कहाँ करते हैं, लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी एरिया पे करते हैं। अच्छा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और अगर हम बात करें, मैं आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से अगर आपको समझाऊं तो एक चीज और मैं आपको बता सकती हूँ कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और कौन नहीं। देखिए मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की अगर हम फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाए, कैनोनिकल फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाए, तो ये सिग्मा, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है नॉन बॉन्डिंग, देन एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल, देन सिग्मा स्टार एंड देन सॉरी पाई स्टार एंड देन सिग्मा स्टार। ये जो ऑर्बिटल होते हैं आपके, ये तीन जो ऑर्बिटल होते हैं कौन कौन से, सिग्मा पाई एंड नॉन बॉन्डिंग, ये कैसे होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मोस्टली ये जो होते हैं आप ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं, ये तीन इलेक्ट्रॉन डोनेशन करते हैं, और ये तीन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ये तीन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट। अब देखिए डोनेशन कौन ज्यादा करेगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा वो उतना इजीली डोनेट करेगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, नॉन बॉन्डिंग, एनबी मीन्स नॉन बॉन्डिंग, फिर उससे कम एनर्जी किसकी है, पाई की, और उससे कम एनर्जी किसकी है, सिग्मा की।
तो डोनेसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, एनबी की, फिर किसकी होगी पाई की, और फिर किसकी होगी सिग्मा की। कहने का मतलब, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, H2O, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया H2O, यहाँ पे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल दिया जो आप ऐसे कह सकते हैं CH3Li। और अगर मैं आपसे पूछूं विच वन इज मोर न्यूक्लियोफाइल, तो आप क्या देखेंगे? देखिए इसमें क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं डोनेशन के लिए, इसमें कौन कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें कौन से होंगे सिग्मा, और किसकी डोनेशन पावर ज्यादा है नॉन बॉन्डिंग वाले की। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल H2O, उससे फिर CH2, उससे कम, और CH3Li क्या होगा सबसे कम। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि सबसे पहले डोनेशन पावर किसकी होती है ज्यादा, किसकी लोन पेयर की, फिर किसकी सिग्मा पाई बॉन्ड की, और फिर किसकी सिग्मा बॉन्ड की। ठीक है, और अगर दोनों में ही लोन पेयर है तो किसको देखेंगे, लार्ज साइज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे। ओके, होप आपको क्लियर है। तो चलिए, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया तो चलिए कुछ क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है और आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडी हो जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के बारे में क्या ट्रू नहीं है। फर्स्ट है डोनेशन एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, क्या ये ठीक है, खुद से बताइएगा। ऑल मॉलिक्यूल्स और आयन विद अ फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आर लुईस एसिड बाय द डेफिनेशन, एंड न्यूक्लियोफाइल बिकम अट्रैक्टेड टू अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैंने आपको कहा कि न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना लुईस बेसिस भी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, लुईस बेसिस भी कहलाते हैं। लुईस कॉन्सेप्ट होता है एसिड बेस का, लुईस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है, तो वो कहलाती है लुईस एसिड, और कोई भी स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करती है डोनेट करती है तो वो स्पीशीज कहलाती है लुईस बेस, लुईस बेस। तो न्यूक्लियोफाइल क्या कहलाते हैं, लुईस बेस कहलाते हैं। तो थर्ड क्या कहता है कि न्यूक्लियोफाइल आर एक्ट एज अ लुईस एसिड बाय डेफिनेशन, और न्यूक्लियोफाइल बिकम अट्रैक्टेड टू अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा, जल्दी से सोच लीजिएगा और देखते हैं आप आंसर क्या होगा, आपका आंसर ठीक है या नहीं मैच कीजिएगा। आंसर है सी। क्यों है सी, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, और वो क्या होती है लुईस बेसिस होते हैं, ना कि लुईस एसिड होंगे। तो कौन सा गलत होगा हमारे यहाँ पे, सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच रिएजेंट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल कौन होगा जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेशन कर सकता है। तो NH3, नेक्स्ट इज BH3, नेक्स्ट इज BR2 एंड नेक्स्ट इज HBr। अब जल्दी से सोचिएगा कि कौन होगा, अब फिर हम आंसर आपको बताते हैं। आई होप आपने गैस कर लिया होगा कि कौन होगा, एंड द आंसर इज ए। क्यों होगा ए, सबसे इजी है, ए क्यों होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। सबसे बड़ी बात इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहां अगर बात करें तो सिग्मा है, यहाँ कैसे है नॉन बॉन्डिंग, लोन पेयर कैसे थे नॉन बॉन्डिंग, यहाँ तो कैसा है नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड है। देखिए BR BR नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड तो कभी भी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर ही नहीं सकता, हमेशा पोलर सिग्मा बॉन्ड ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ये HBr है, ये एक्ट कर सकता है, सिग्मा बॉन्ड है, बट मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा डोनेशन टेंडेंसी किसकी होगी, नॉन बॉन्डिंग वाले की होगी। तो आंसर इज NH3। ठीक है, नेक्स्ट इज, और एक चीज और, आप यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर भी देख सकते हैं, एन और बी आर में देखें तो आप एन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिएक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इनमें से कौन एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट नहीं कर सकता। देखिए आंसर CH3NH2, CH3 2NH, CH3 3 एंड CH3 4N पॉजिटिव, साफ आंसर दिख रहा है, आप जल्दी से गेस कीजिएगा, एंड द आंसर इज आंसर नंबर डी। क्यों, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। चाहे आपको इनके बारे में स्ट्रक्चर पता है नहीं पता तब भी कोई बात नहीं, ये देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या कभी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नहीं, पॉजिटिव तो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका किस में आया हुआ था, ये IIT जैम में आपका क्वेश्चन पूछा गया था एज अ न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेप्ट से। CH3 4N पॉजिटिव इज नाइदर एन इलेक्ट्रोफाइल एंड नोर एज अ न्यूक्लियोफाइल। अच्छा,
ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल भी एक्ट नहीं करता और एज एन न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट नहीं करता. गुड, क्यों नहीं करेगा? देखिए यहीं से पता चल रहा है क्यों नहीं करेगा. डज नॉट हैज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन एज वेल एज अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन. इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है डोनेशन के लिए या अट्रैक्ट नहीं कर सकता. नाइदर हैज इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन एंड कांट अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन सिंस ऑल शेल्स ऑफ एन आर फुली ऑक्यूपाइड एक्ट एज अ लुईस बेस एंड नन ऑफ दिस. देखिए यहीं से एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं. लुईस एसिड बेस तो नहीं होगा क्योंकि देखो ना तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है ना ही न्यूक्लियोफाइल की, क्योंकि यहाँ तो या तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता. नन ऑफ दिस भी नहीं होगा. ये देखिए आंसर है इसका सेकंड. आंसर सेकंड क्यों है इसका? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो एन के पास मैक्सिमम कितने होते हैं इलेक्ट्रो शेल, कितने होते हैं? पांच होते हैं. ये कंप्लीटली फिल्ड है ना. यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के लिए तो अवेलेबल है ही नहीं. क्यों? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास फ्री शेल भी नहीं है ना जिसमें ये क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके. तो ना तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है ना ही एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है. तो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कहा था वो मुझे ध्यान नहीं रहा कि ये कंप्लीटली फिल्ड है, तो ना ये तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा ना ही ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा. सो थैंक यू, होप आपको ये आज का कॉन्सेप्ट समझ आया हो. कमेंट करके जरूर बताना आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा रहा. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे.